नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन न्यूज। शराब घोटाला में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जमानत पर आज सुनवाई होगी। दोनों जेल से बाहर आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उधर सूत्रों के मुताबिक ईडी और सीबीआई ने भी अपनी तैयारी कर ली है। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की जल्द ही उम्मीद है, जबकि अरविंद केजरीवाल की याचिका पर लगभग दोपहर 3 बजे कोर्ट का फैसला सुनाया जा सकता है। हाई कोर्ट की जज नीला बंसल कृष्णा ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सीएम केजरीवाल की याचिका और अंतरिम जमानत पर 17 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए आज की तारीख भी तय कर दी गई थी। सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत का कोर्ट में पुरजोर विरोध करते हुए गिरफ्तारी को कानून सम्मत करार दिया था। वैसे ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। ऐसे में अब सबकी निगाहें सीबीआई मामले में कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करेगा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने जमानत का अनुरोध करते हुए दलील दी कि वह 16 महीने से जेल में है और उनके खिलाफ मुकदमे में पिछले साल अक्टूबर से अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। जिस तरीके से बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई कर रही है, इससे पहले कोर्ट 16 जुलाई को उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी। अदालत ने सीबीआई तथा ईडी से जवाब मांगा है। सीबीआई ने शराब नीति मामले में सिसोदिया की कथित भूमिका को लेकर 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन के मामले में 9 मार्च 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा के लोगों से रविवार को आग्रह किया कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करके उनके पति को झूठे मामले में जेल भेजने के अपमान का बदला लें। हरियाणा के संपला में सभा को संबोधित करते हुए सुनीता केजरीवाल ने कहा, उन्होंने ऐसे काम किए जो पुरानी पार्टियां और बड़े नेता कभी नहीं कर पाए। अब दिल्ली और पंजाब में 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है। केजरीवाल ने लोगों की भलाई के लिए बहुत काम किया है। क्या कोई ऐसी पार्टी है जिसने सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया हो, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हो, चिकित्सा प्रणाली में सुधार किया हो और बिजली मुफ्त की हो? ये सभी काम केवल हरियाणा के लाल यानी कि अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं। अब जिस प्रकार से आज सुनवाई हो रही है सीएम केजरीवाल के सीबीआई केस को लेकर, ऐसे में क्या केजरीवाल को राहत मिलेगी भी या नहीं, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट लाइन न्यूज।